जो पूछना हो कुछ भी वगैरह बुलेट के बारे में, अच्छी नॉलेज है भाई के पास। पटाखे वाले आ जाना भाई की बस इनबॉक्स में, हाँ इनबॉक्स में आ जाना। साउंड देख रहे हो भाई कितना मीठा साउंड है, मजा आ गया यार। तो ये अगर हाथ रखते हो ना साइलेंसर के ऊपर में तो इंजन का साउंड देखना, साइलेंट हो गई। देखा वर्थ था ना भाई के पास आने का, बढ़िया तरीके से भाई चमक गई पूरी तरीके से, बुलेट अपनी कंप्लीट हो चुकी है इसकी सर्विस। कुछ दिक्कत ज़्यादा लग रही है मेरे को, चेन की आवाज़ आ रही है, चेन की है। हाँ ये वाला साउंड आ रहा था। आ गया यहाँ पे सर्विस का सामान, इसे बोलते हैं एयर फिल्टर, और ये है ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर है ना ये रॉयल एनफील्ड का, और ये है अपना मोटर। ये KTM वालों का है क्या? नहीं बुलेट का ही है, बुलेट लिखा हुआ ढाई लीटर। ये छपरी लोग बहुत डलवाते हैं ना ये। क्या मोटुल? हाँ KTM। अरे वो अलग अलग। सो भाई आज निकाल रहा हूँ अपनी बुलेट, और बहुत दिन बाद इसकी सर्विस का टाइम है, सर्विस के लिए लेके चलते हैं इसको। तो भाई स्टार्ट करके देखते हैं पहली किक में स्टार्ट होती है नहीं होती। ओहो भाई ये नहीं हो रही पहली किक में स्टार्ट, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आ गई इसके इंजन के अंदर। पटाखे पटुखे बहुत मारे ना रील्स के चक्कर में, इंस्टा की रील्स बहुत बनाई हैं, अभी कैसे भी स्टार्ट हो जाए। और इसको लेके चलते हैं, इसकी सर्विस करवाते हैं और देखते हैं क्या इसके इंजन में क्या प्रॉब्लम है प्रॉपर। तो भाई आप लोग भी जो है ना इस चीज़ का ख्याल जरूर रखना, पटाखे पटुखे तो लग जाते हैं बुलेट पे लेकिन बाद में इंजन में दिक्कत आ जाती है। अब मुझे लग रहा है कि मोटा कोई खर्चा ना हो इसके अंदर, अगर मोटा खर्चा हुआ ना तो भाई बस जेब खाली होने वाली है मेरी समझो। और देखते हैं चल के बस क्या बनती है आगे कहानी क्या होती है। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अंकल की शॉप पे, ठीक है, और जतिन भाई भी हमारे अंदर लगे हुए हैं कुछ काम शाम कर रहे हैं, ठीक है, वो जब तक फ्री होंगे बाहर आएंगे आपसे मिलवाऊंगा। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी थंबनेल और टाइटल से कि बुलेट सर्विस होने वाली है, सर्विस के साथ साथ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके इंजन में, भाई मोटा खर्चा होने वाला मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी मैंने वॉश वूश नहीं कराई, बहुत दिन से ऐसी खड़ी थी कवर कोवर डाल के रखा था। कमेंट में बताना भाई बुलेट कैसी लग रही है, मैंने ना इंस्टा के चक्कर में ना बहुत पटाखे मारे हैं। इंस्टा पर आ गए अपने जतिन भाई हेलो करो पहले सबको, ऊपर आके नीचे मत जाया करो यार, बड़े लोग हो नीचे जाके कर रहे हो। तो भाई जतिन भाई की भी मतलब जतिन भाई का भी यूट्यूब चैनल है और बुलेट बुलेट का तो स्पेशल यही काम करते हैं। पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है तो अंकल भी आ जाएंगे, तो अंकल मतलब अंकल का हाथ लग गया ना बुलेट के ऊपर तो बात ही अलग है भाई। तो अभी देखते हैं पता नहीं क्या क्या दिक्कत है भाई इसके अंदर ना, कुछ दिक्कत ज़्यादा लग रही है मेरे को। चेन की आवाज़ आ रही है, चेन की है। हाँ ये वाला साउंड आ रहा था, ब्रेक शू तो चल जाएंगे, देख लेना भाई ब्रेक शू भी। और ये जब हम इसका एक्सीलेटर जब छोड़ते हैं ना, एक्सीलेटर जब हम छोड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से मतलब साउंड कुछ अलग से ही आ रहा है यार इसका, पटाखे पटाखे नहीं बजते अपने, अभी पटाखे बज रहे हैं, मैं मार भी नहीं रहा। बैंड पाइप तो नहीं लीक हो सकता, बैंड पाइप लीक हो गया हूँ। भाई नहीं मारता पटाखे, इस पे पटाखे बजेंगे क्यों नहीं बजते, रीलों में चल रहे होते भाई मैं रीलों में ना साउंड लगाता हूँ, अभी ये बंदे को लग रहा है पटाखे मारता, इस पे पटाखे नहीं बजते। दूसरे गियर पे ऑन ऑफ करते रहो, एक्सीलेटर देखे ये वाली रील देखे बंदे ओ भाई वो यूट्यूब वाली रील देख ली होगी भाई ने, वो भी मैंने किसी का साउंड लगाया पता है, मेरे अपना नहीं है। तो भाई यही चीज़ देख के ना पापा भी मेरे को बहुत बारी पापा ने गुस्सा किया कि तू पटाखे वटाखे मारता है, लेकिन भाई सही बताओ ना बहुत कम पटाखे मारता हूँ इसके ऊपर और ज़्यादातर जो है मैं साउंड ही उठा के लगा देता हूँ। तो अब इसका सीन देखते हैं क्या है आगे का। तो अभी बैंड पाइप कह रहे हैं इसका लीक है, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा इनके पास, बाकी नॉर्मल सर्विस है। इंजन में तो कोई साउंड नहीं है ना भाई इसके? नहीं, पक्की बात है। चलो भाई जिस चीज़ का डर था ना मेरे को उतर गया डर, ठीक है, मुझे लग रहा था इंजन के अंदर कुछ साउंड आ रहा है, चेन इसकी मतलब ढीली है,
ब्रेक पैड देख लेंगे, बाकी इंजन ऑयल तो चेंज करना है। तो मैंने इंजन ऑयल जो चेंज कराया था ना लास्ट टाइम 7000 पे कराया था, नहीं 7000 पे नहीं 5000 पे कराया था मैंने, और ऑलमोस्ट जो है 9500 के ऊपर हो गई गाड़ी अपनी। तो भाई काम शुरू हो गया अपनी बुलेट का, और बाकी जतिन भाई इधर देखना, जतिन भाई की आईडी मैं मेंशन कर दूंगा, इनका भी यूट्यूब चैनल है। सो भाई जाके ना भाई को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काम शाम कुछ भी हो, पूछना हो कुछ भी वगैरह बुलेट के बारे में, अच्छी नॉलेज है भाई के पास। पटाखे वाले आ जाना भाई की बस, हाँ इनबॉक्स में, हाँ इनबॉक्स में आ जाना, ये मना कर रहा है भाई, आ जाना पटाखे वटाखे कैसे मारने हैं ना। कुछ बंदे मुझे पूछ रहे थे कमेंट करके कि भाई पटाखे कैसे लगेंगे BA6 के अंदर, फ्लैश देख अपना। ओ भाई ऑयल का बहुत बुरा हाल हो रखा है ना, सारा मैग्नेट पे आ गया। तो इसका कोई नुकसान भी है? नहीं, थोड़े बहुत जो पार्ट्स कटते हैं अंदर, इस वजह से कटते हैं? इस वजह से नहीं कटते, जैसे अंदर दो चीजें इकट्ठी चल रही है तो उसका जो सारा स्लज होता है वो सारा ये मैग्नेट पे चिपक जाता है। तो अभी मैं सही टाइम पे आ गया कि नहीं? हाँ, 2 से 2.5 के अंदर अंदर हो जानी चाहिए वैसे, मैक्स टू मैक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब 3000 के ऊपर मतलब चला दिए मैंने, 3500 किलोमीटर चला दिए मैंने, 3500 मतलब 2000 किलोमीटर के आसपास, 2500 के अंदर करा लेंगे। हाँ दो, मतलब अगर टाइम ना हो तो देख लो 2500 के अंदर अंदर आपकी किलोमीटर के अंदर अंदर गाड़ी सर्विस हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना ऑयल नहीं होना चाहिए। बाकी भाई इसके अंदर ऑयल अब निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं, निकल गया हाँ भाई ऑयल तो निकल गया, वो देखो भर गया नीचे और बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया। लास्ट टाइम जैसे कि वीडियो देखी होगी तो भाई पापा ने करी थी इसकी सर्विस, तो इस बार ये है कि पापा है नहीं, पापा गए हुए गाँव, पापा को मैंने बताया नहीं, बताता तो पापा कहते 2-3 दिन रुक जा मैं आगे कर दूँगा, फिर भी मेरे दिल में था जतिन भाई से सेटिंग करवानी है, और सेटिंग वेटिंग बढ़िया कर देते हैं बुलेट की। तो अब अंकल जी आएंगे तो एक बार अंकल जी के हाथ लगवा लेंगे, अंकल जी के हाथ लग जाएंगे तो फिर वाह जी वाह हो जाएगी। भाई ये देख रहे हो टेक्निक, ये मैं आप लोग सोच रहे हो कि गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं कर रहा, क्या कर रहा था मैं तो भाई तेल निकाल रहे हैं। भाई ये तेल निकाल रहे हैं, मतलब जो इंजन में तेल रह जाएगा ना तो किक विक मार के निकल जाएगा, और ऑलमोस्ट जो है ना तेल सारा निकल चुका है। भाई कितना लीटर हो गया जो निकला है? 2.5 लीटर के आसपास होगा। हाँ मतलब जो थोड़ा बहुत भी रह गया ना वो भी निकल गया, वो देखो निकल रहा है नीचे से, अभी तो ऑयल फिल्टर में से निकलना है। अच्छा ऑयल फिल्टर भी खुलेगा? किसने इतनी बोंड लगा रखी है? बापू जी ने? नहीं नहीं बोंड लगती नहीं है। हुआ क्या हो गया यार, क्या करेंगे ही नहीं है ऑयल पंप की, नहीं है ऑयल फिल्टर की देंगे ही नहीं है, ये करेंगे के लिए बस, फिर ये तो वाटर की होगी, एक अंदर क्या ही नहीं, ये ले एक जैसे ये है ना एक यहाँ पे भी होती है, दूसरी भी होती है, वो है ही नहीं, बर्थडे में दिखाई मेरे हाथ में, मतलब ये वाली जो रिंग है दोनों साइड होती है। अच्छा रिंग निकली नहीं, तो वो कहाँ गई भाई? वो तो जिसने लास्ट सर्विस करी होगी उसे पता होगा, इसके अंदर डालते हैं तेल निकलता है सारा। ये रिंगे दो होती हैं, अच्छा एक अंदर एक बाहर, चलो तो इसी काम के लिए तो तुम्हारे पास लेके आए हैं। बढ़िया भाई अपना आ गया यहाँ पे सर्विस का सामान, इसे बोलते हैं एयर फिल्टर, और ये है ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर है ना ये रॉयल एनफील्ड का, और ये है अपना मोटर, ये KTM वालों का है क्या? नहीं नहीं बुलेट का ही है, बुलेट लिखा हुआ 2.5 लीटर, ये छपरी लोग, छपरी लोग बहुत डलवाते हैं ना ये क्या मोटर, हाँ KTM, अरे वो अलग अलग वो ग्रेन्स होते हैं। अबे इंस्टा की वीडियो मैंने डाल तो रहा हूँ, लोग मेरे को छपरी छपरी कह रहे हैं, सालों में कैसे छपरी लगता हूँ, फालतू की बातें करने आ जाते हैं। दिखाओ ऑयल फिल्टर को, उसके अंदर दो होंगी रिंगे दिखा दो भाई, दो रिंग है। हाँ इसके अंदर दो रिंग है, सही है, एक रिंग पहले डलेगी। यार इसकी बैटरी की भी दिक्कत आ रही है, इसकी लाइट की वैसे दिक्कत तो नहीं है? मल्टीमीटर चेक कर, मतलब इसकी जो लाइट है ना
वो जेनुइन की पहचान देख रहा है, ओरिजिनल ऑयल फिल्टर स्टैंप लगी हुई है रॉयल एनफील्ड, एलोफिक बनाती है लेकिन। अच्छा चलो 2000 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, 2 से 2.5 चला दूंगा, और अभी तो 3.5 के बाद लेके आया हूँ, तो थोड़ा लेट हो जाता तो फिर। बाकी भाई अभी ना पटाखे वटाखे कुछ दिन मत मांगना मेरे से, ना मैं मारूंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ना मेरे जो पापा है ना वो मेरा व्लॉग देखते हैं, तो आप लोग समझ जाओ फिर घर में घुसना मेरे लिए ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, घर में नहीं मेरे को घुसने देंगे, तो कुछ दिन जो है ना पटाखे वटाखे अवॉइड करेंगे। और चलान जुलून भी आजकल बहुत चल रहा है, ऑनलाइन चलान भी आ रहा है ना आजकल, ऑनलाइन चलान बहुत आ रहा है भाई, नंबर प्लेट आ जाना वीडियो में, कुछ दिन के लिए शांति रखेंगे, फिर तो उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे टाइम बीतेगा, बैंड पाइप भी चेंज कराना है, शौक तो है, शौक तो पूरे करने करने एक ना एक दिन, ठीक है। दो कटोरे बच गए हैं, ले जा भाई ये कटोरे हाथ में पकड़ के पता क्या फीलिंग आ रही है, और इतना तेल निकला है, मुझे कह रहा है घर ले जा वापस, मैं तेल के क्या करूँगा बताइए भाई। पकौड़े खाने वाले इस तेल में, तूने खाए कभी, ट्राई किए? वायरल हो रहा है ना। हाँ सही है, बुलेट के तेल में पकौड़े तलवाएगा तू सीधा सीधा बोल, प्लानिंग करवा रहा है घर से निकलवाने की हमको। तो भाई अब फाइनली बारी आ गई है एयर फिल्टर और इंजन ऑयल की, तो भाई इनका प्राइस बता दियो है ना बाद में, क्या क्या प्राइस है? प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर ले ऊपर मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, फिर भी मतलब बता देंगे लमसम, एग्जैक्ट नहीं है। हाँ हाँ बता देगा यार वो, बस थोड़ा बहुत कर रहा है वीडियो में सामने सामने, लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा ना सब कुछ काम तो लास्ट में बता देगा क्या सर्विस के चार्ज है, ठीक है, और प्राइस क्या है सामान सामून का। एयर फिल्टर बदलने की जरूरत है ना हमारे को? नहीं ये लंग्स इसके साफ हैं एकदम, देख कितने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं भाई। अभी तेरे को कंपेयर कराता हूँ दूसरे से। भाई सही बात है, ये लंग्स ही हैं बुलेट के, एयर फिल्टर आ गया बाहर अपना, कीमत दे ले, सुंदर लग रहा है दिखने में, तो इतना गंदा भी नहीं लग रहा मेरे को, ये यहाँ क्यों रखता है कपड़ा सफाई करने के लिए? अबे बेवकूफ़, यहाँ से एयर ही नहीं जाएगी तो एयर इनटेक कैसे होगा इसमें? तो वो तो ऊपर जाता है ना सीट के, अबे सीट के ऊपर, यहाँ तो पीछे से तो हवा जानी चाहिए थोड़ी बहुत। अच्छा यहाँ मतलब अगर आगे रख लिया अगर थोड़ा, बट जब हवा ही नहीं मिलेगी ऑक्सीजन तो कैसे स्टार्ट रहेगी ढंग से। तो तुझे पता मैं कपड़ा क्यों रख रहा था सीट के नीचे? पहले मैं रखता था आगे की तरफ, लेकिन कोई किसी ने निकाल लिया, तो उसके बाद जो है ना सीट के नीचे रखने लग गया, मेरी आदत बन गई। ये एवरेज भी ढंग से नहीं देगी और चलेगी भी नहीं सही तरीके से। एवरेज तो लगता है देरी होगी पटाखों के बाद, जब पटाखे पड़ते फिर एवरेज एवरेज नहीं इसमें देखिए। या तो शौक पूरा कर लो या तो फिर तेल पूरा कर लो गाड़ी में। नहीं शौक तो हम पूरा कर ही लेते, लेकिन थोड़ा बापू का भी डर है, वीडियो देखते हैं ना, तो इसलिए मैंने अभी तक बैंड पाइप जो है इसका चेंज नहीं कराया। मंगवा के रखा हुआ तो ये पता है, बैंड पाइप भी मंगवा के रखा है, हैंडल भी मंगवा के रखा है। तो ये पता है मेरे पापा ने क्या बोला हुआ मुझे, बेटा जिस दिन इसका बैंड पाइप चेंज हो गया ना और हैंडल चेंज हो गया, उस दिन है तेरी बुलेट बेच दूंगा मैं। इसमें किसका इंजन लगा हुआ है? चेतक। भाई भाई ये ना RX 100 भी तैयार करते हैं बढ़िया एकदम, तो कमेंट्स के अंदर ना बहुत आए थे छपरी लोग, RX 100 कर रहे थे बुलेट के आगे ना, तो RX 100 छपरी नहीं होते लेकिन बुलेट को फेल कर देती RX 100 कभी भी लगा ली। अब इसके पास है ना तो इसलिए बोल रहा है ये, बाकी दिखाते हैं अब फर्क, तो भाई बुलेट वालों को पता ही, कहाँ 350 cc
काम वो 150 सीसी 125 सीसी भाई उसको पिकअप का फर्क है ना बस। अच्छा ये इसका जो साउंड है वो RX 100 में निकलता है या हमें नहीं निकलता ना RX 100 का साउंड है, वो इसमें भी नहीं निकलता। वो साउंड चाहिए नहीं हमारे को, पता लगना चाहिए गली में कोई आया है। अच्छा इसके पास RX 100 तो है, इसने बुलेट भी रखी हुई है, स्टैंडर्ड भेज दी अपनी, सब भेज दिया, चलती नहीं रोड पे तो क्या करनी रखती है। मुझे डेट क्यों लिखनी है, कल को तेरे को याद रहे 17 अगस्त कि कितने किलोमीटर पे तूने कराई थी। हाँ इस पे लिखा रहेगा ना, याद रहेगा ये, ठीक है। दिखाइए पुराना वाला फिल्टर दिखा रहा था और नया वाला, क्या फर्क है दोनों में? रंग्स इसके अभी चेंज कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा बहुत फर्क है कलर का, थोड़ा बहुत फर्क है, माइक्रोफाइबर वो तो पेपर होता ही है। ओ भाई तो वहाँ अपनी बाइक कहाँ खड़ी है RX 100? क्या भाई यार, दोस्त लेके आने वाला हो थोड़ी देर, दोस्ती यारी में बाइक देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? रोड पे तो ऐसे ही दिखते बंदा वो है भाई, मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। इधर अंकल जी भी आ गए हैं अपने। तो भाई फाइनली ये लग चुका है एयर फिल्टर, और डेट डालने का रीज़न तो आप लोगों को बता दिया, याद रहेगा कि सर्विस लास्ट टाइम कब हुई थी। तो अब क्या डालना है, इंजन ऑयल और चेन टाइट रहेगी बस। हाँ चेन टाइट करनी, ब्रेक शूज़ देख लेना पीछे क्या एक बार, सही है अभी चलेंगे यार, ब्रेक आवाज़ तो करती है की करके, तेल ही नहीं डाला कभी ज़िंदगी में लगता। सारा डब्बा डल जाएगा इसमें, पूरा का पूरा डाइलेटेड हो जाएगा। अभी डालते हुए कितना सही लग रहा है ना इसका कलर, और यही मतलब 2-2.5 महीने के बाद ना एकदम काला हो जाएगा। और भाई ये रीज़न क्या है, तूने जो बुलेट बेच दी अपनी, बुलेट बेच के तूने वो ले ली थंडर बड़ी, ऐसा क्यों भाई स्टैंडर्ड छोड़ दी? मेरे पास 2 स्टैंडर्ड थी। अच्छा 15 साल की चलती नहीं दिल्ली में, तो कहाँ चलाऊँ, कोई कुछ करता ही नहीं। बंदा शौक के लिए तो रख लेता है, शौक के लिए कितनी गाड़ी रखूँ। तो भाई इस पे कैसे दिल आ गया तेरा, इस पे ये सबसे मस्त गाड़ी है टूरिंग के लिए। टूरिंग के लिए पीछे वाइफ को बिठा के घुमा। हाँ फिर तो ठीक है, अभी शादी हो गई ना भाई की, तो हम अभी गवा रहे हैं, तो हमारी शादी हो जाएगी फिर तो 4-व्हीलर लेना पड़ेगा, अभी तो बुलेट पे शौक पूरे हो रहे हैं। लेकिन भाई एक बात है, शादी के बाद टाइम नहीं मिलता बंदे के पास, मिलता नहीं मिलता, नहीं हमारे पास पूरा टाइम होता है, कभी भी सर्विस करें। अभी क्या कर रहे हो ये चेन टाइट, तो इसके लिए पूरा खोलना पड़ेगा सेटिंग, इसका मतलब कुछ नहीं खोलनी हमने, ये चेन टाइट करते हैं भाई। एक गन बढ़िया रखी हुई है यार, मैन पावर बचाती है देख रहा। तो कहाँ की राइड मारी है, लद्दाख गया था? लद्दाख तो 18-19 में ही कर दिया था। अच्छा उस टाइम तो दुबई में था। हाँ सही बात है, ये आवाज़ बहुत तेज है इसकी है ना। चेन भी टाइट हो गई अपनी है ना, अब क्या काम रहेगा इसमें? ब्रेक बोलूँगा, ब्रेक मार के तेज से झटके से, ठीक है मारनी है तेज, तेज से जब बोलूँगा। ओके मार के भाई देख लो कहाँ कहाँ पे ऑयल डाल रहा है भाई, तो मतलब ऑयल डालना ही पड़ेगा आपको हर जगह पे, ऑयल नहीं डालोगे तो फिर आवाज़ वो जाती रहेगी। ये क्या हो रहा है बता दो भाई, आवाज़ नहीं दिख रही थी, आवाज़ देखियो पहले कैसी थी और अब कैसी हुई है।
तो मतलब इसका जो बैंड पाइप था लीक था ना, लीक मीन वो मतलब लीक का मतलब वो ये ढीला था, जो भी था लूज था, टाइट हो रहा है, साउंड सही हो जाएगा इससे। बस इंजन का ही साउंड रहेगा इसमें तो। चेन की भी आवाज़ नहीं आ रही है। चेन की आवाज़ भी नहीं आ रही, साइलेंट हो गई गाड़ी। साउंड देख रहे हो भाई कितना मीठा साउंड है, मज़ा आ गया यार। ये अगर हाथ रखता हूँ ना सिलेंसर के ऊपर में तो इंजन का साउंड देखना, साइलेंट हो गई गाड़ी एकदम, है ना, क्या बात है। बढ़िया एकदम। सो भाई फाइनली है फॉर्म वॉश, कैसे मतलब उसमें मतलब क्या फर्क है? गेट बल्ब डालना है? हाँ। न्यूट्रल लाइट का। तो भाई बेसिकली इसके अंदर जो है ना न्यूट्रल लाइट का बल्ब नहीं जल रहा, गाड़ी न्यूट्रल पे ही है। और साउंड तो एकदम बढ़िया हो गया इसका। हेडलाइट खोल दी, तो भाई इसका ये जो बल्ब है ना ये फ्यूज़ हो गया, और ये बहुत बार ही हुआ है, एक बार ही नहीं काफ़ी बार हुआ है पहले भी, नया वाला बल्ब डाल दिया, ये पुराना वाला है। तो भाई मेरा ना दिल खुश हो गया साउंड सुन के, मतलब इतना मीठा साउंड हो गया ना गाड़ी का। बस एक काम और रह गया, बाकी सब काम हो गया, सर्विस वर्विस हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो आप लोगों को प्राइस भी वीडियो के लास्ट में बताऊँगा क्या क्या है। इसका जो हैंडल है ना वो टैंक पर लग रहा है, तो यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ रहा है, ठीक है। तो इसका हैंडल भी लूज़ है, थोड़ा टाइट करने वाला है, ठीक है जितिन भाई, हैंडल टाइट करना और कुछ भी नहीं है। बाकी भाई ब्रेक व्रेक सब सेट कर दी भाई ने। सो भाई फाइनली लाइट भी जल रही है, बस अब हैंडल थोड़ा सा सेट करते हैं इसका। क्यों भी गड़ी है? मेरी है पहले ऑन नहीं लेती है, साल हो गया। तो ये देखी थी पहले, तो ये अंकल जी जतिन भाई के पापा जी, इनके बारे में बता रहा था। तो मैं सोच रहा था अंकल जी का हाथ लगेगा बुलेट पे, लेकिन जतिन भाई ने सारा काम कर दिया। बेसिकली ये प्रॉब्लम आ रही है जब हैंडल को मोड़ रहे ना तो ये नीचे लग रहा है इस तरफ से, ये देखो इधर से तो गैप है लेकिन इधर से नीचे लग रहा है। उधर भी लग रहा है? हाँ देखियो, नहीं गैप है, हल्का सा गैप होगा। हाँ बस इतने से गैप पे सेट कर दो नहीं लगता। पता जब मैं इसके ऊपर पॉलिश मारता हूँ ना ये बुलबुल का बच्चा बन जाता है। पता बुलबुल का बच्चा है? हमारे यहाँ के मैकेनिक बोलते भाई मैकेनिक नहीं बोलते, वाकई में बुलबुल का बच्चा लगता है। इसके ऊपर पॉलिश मारता हूँ ना जब मैं, ये तो बहुत दिन हो गए मिट्टी मिट्टी तो रखी है, पॉलिश नहीं मारी। पॉलिश वॉलिश मार देते हैं तो बढ़िया हो जाती है। बाकी ठीक है, अलॉय व्हील डले हुए हैं, कैसी लगी गाड़ी हैं? एबीएस सुनते हैं बस, बढ़िया उड़ कर चुके। उस्ताद लोगों को पूछ रहे हैं हम गाड़ी कैसी लगी है। उस्ताद लोग भाई RX 100 दिखानी है मेरे को वीडियो में। हाँ मैं वेट कर लूँगा यहाँ पे। तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, भाई की बाइक आने वाली है, तैयार कर रखी है पूरी, ठीक है रीस्टोर कर रखी है लग रहा है मुझे। तो पुराना मॉडल होगा R15 का, R15 नहीं RX 100, तो R15 का नाम आ जाता है क्योंकि आजकल वही चल रही है। RX 100 रीस्टोर कर रखी है, वो दिखाएंगे प्रॉपर बढ़िया तरीके से। तो भाई ये भाई के मतलब लोगो लगने जा रहा है स्टिकर जो है, तो इसके ऊपर नंबर भी है। क्लोज कर देता हूँ एक बारी, कुछ भी मतलब बुलेट के रिगार्डिंग बात करनी हो तो भाई से बात कर लेना।
फोन कर लेना मतलब। तो भाई फाइनली अपनी जो बुलेट है ना वॉश भी कर दी है भाई ने, और ये भाई का प्यार मोहब्बत है, ठीक है, स्माइल कर रहा है ये ये स्माइल जो है ना, ये स्माइल से मेरे को बहुत कुछ याद आ रहा है भाई, ऐसी वाली स्माइल है हरामी दोस्ती करते हैं तो भाई चलो अभी फाइनली वॉश का टाइम है इसका, पानी वानी मारते हैं इसको, सफाई हो जाएगी बढ़िया इसकी। तो भाई फिक्र मत करना, आप लोग भी इधर आओगे ना अपनी बाइक की सर्विस कराने, तो इसी तरीके से भाई जो है ना बाइक वॉश कर देंगे आपकी बढ़िया तरीके से, सर्विस के बाद में चमका देंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है वॉशिंग के लिए, यहीं पे वॉशिंग हो जाएगी बढ़िया तरीके से। अब इसका पानी वानी थोड़ा सूख जाएगा, फिर कपड़ा कपड़ा मारते हैं इसके ऊपर। भाई फाइनली पॉलिश लगा दी थी भाई ने, और पॉलिश नहीं लगी, मज़े ले रहा है, पॉलिश लग गई थी और इस मतलब कपड़ा वपड़ा मार रहे हैं, इसकी शाइनिंग आ जाएगी, फ्रंट पे तो भी लगी हुई है, ये देखो मेहनत चल रही है इसके ऊपर दबा के। पॉलिश हो चुकी है गाड़ी पे और इसकी कुछ लुक ऐसे आ रही है, देखा वर्थ था ना भाई के पास आने का, बढ़िया तरीके से भाई चमक गई पूरी तरीके से बुलेट अपनी, कंप्लीट हो चुकी है इसकी सर्विस। तो भाई अभी आने वाला है, अभी अंदर गया है पानी वानी पीने के लिए, जतिन भाई जब बाहर आएगा तो पूछते हैं बाकी सामान सामून कितने का, क्या प्राइस वाइज है, मेंशन कर दूंगा, बता दूंगा क्या क्या प्राइस। फाइनली जो है सामान डल चुका है अपनी बुलेट में और बुलेट वहाँ खड़ी है, रेडी हो गई है प्रॉपर, और कमेंट में लुक बता देना कैसी लुक आ रही है, कैसी लग रही है जतिन भाई, बढ़िया तो भाई इनको इसलिए ऐसे मतलब लग रहा है क्योंकि इनके पास बहुत सारी बुलेटें ऐसी आती हैं, तो चलो प्राउड फील करते हैं हम तो जिनके पास बुलेट है। तो भाई ये है अपने पास ऑयल फिल्टर है, तो इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ इस पर लिखा हुआ है MRP, और ये विद रिंग, ओके विद रिंग, तो और इसका जो प्राइस है ये क्या है अपने पास, एयर फिल्टर है, तो 200 इसका MRP है, तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा इसमें भी, और ये का रेट तो फ्लक्चुएट होता रहता है जैसे आता है, तो मतलब वही लगा के चलो 750 to 800 के अंदर इसका जो ऑयल का रेट होगा। तो भाई यही इसका प्राइस था, तो मेरा ज़्यादा कोई सामान नहीं था, 3-4 चीज़ें थी आप लोगों को बता दी, 3 चीज़ें थी और तो कुछ बाकी ब्रेक शू ओके थे, ब्रेक शू वगैरह वगैरह सब थे, मतलब सब कुछ ठीक था। चली 9000 है, 9000 चली है ना गाड़ी, हाँ ज़्यादा नहीं चली, इसमें इतने में तो ना आगे के पैर चेंज होते ना ही पिछले, ट्रैफिक में ज़्यादा चलती है गाड़ी तो ही ज़्यादा। भाई मेरे को तो लुक बहुत बढ़िया लग रही है, एकदम सेक्सी लुक आ गई है इसकी, एकदम पॉलिश वॉलिश मार दी भाई ने अपनी तरफ से, वॉशिंग कर दी, पॉलिश वॉलिश कर दी भाई का, थैंक यू, और भाई का चैनल मेंशन कर दूंगा नीचे, लिंक डाल दूंगा, और भाई का नंबर भी बता दिया आप लोगों को, अगर जरूरत हो बुलेट के रिगार्डिंग RX 100 मतलब तैयार करानी कुछ भी है तो कॉन्टैक्ट कर लेना, टू व्हीलर्स का सब कुछ है, मतलब कोई भी बाइक हो, पल्सर वल्सर कोई भी हो, तो स्पेशल तो मतलब बुलेट वालों के लिए है, जितने अपने स्टैंडर्ड वाले हैं, ओल्ड मतलब जिनके पास स्टैंडर्ड है उसकी भी सेटिंग हो जाती है साउंड की बढ़िया तरीके से, उनके कारीगर अंकल जी हैं, तो अंकल जी भी बिजी हैं किसी और काम में, फिर मिलते हैं भाई, ठीक है। तो भाई अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, रब रखा। फाइनली बिल भी हो चुका है, ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बार बार नहीं दिखाऊँगा मैं, भाई मना कर रहा था डिस्काउंट के साथ, और इधर अपनी स्ट्रिंग भी आ गई है, तो ये भी भाई हैं अपने, ये भी अपने भाई हैं, तो हमेशा की तरह यही बोलूँगा भाई को भी अपना प्यार दिखाना, ठीक है भाई, स्ट्रिंग तो दे दो, या मांगने पे मिलती है ये मांगी है मैंने, भाई इस बंदे को मैंने कहा था पानी पिला दे,
उसने कहा फ्रिज में स्ट्रिंग पड़ी है, कोई दे दे इसे। पड़ी है तो दे दी, वैसे मंगानी नहीं थी। एनर्जी आ जाएगी ना पटाखे मारने की। और भाई ये शॉप देख रहे हो, सारा सामान भाई ने रखा हुआ है। ये क्या रखे हुए, ऑयल के डब्बे? तो भाई शॉप देख के पता लग गया होगा आपको काम वाम कैसा है एकदम। तो आ जाना अभी, यामा तो हम देख नहीं पाएंगे इस बारी वीडियो में, शायद किस्मत होगी तो आ जाएगी, नहीं तो यूट्यूब पे देखो मेरी यार। आप यूट्यूब पे कहाँ भाई। तो भाई इसकी यामा एक्चुअली कोई लेके गया होगा जो उसने रिस्टोर कर रखी है प्रॉपर, ठीक है। वो असेंबल से लेके असेंबल तक की वीडियो है, फिर कभी दिखाएंगे उसको, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना सॉरी उसके लिए, ठीक है। बाय बाय कर दो पहले सबको। ओके भाई बाय कर दो सबको।